जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नए सीरीज पे आप सबको खुश आमदीद। भाई सीन अभी कुछ ऐसा है कि आपके भाई ने इंस्टाग्राम पर एक वोटिंग की थी कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ जो कि बिल्कुल ही देसी फूड, लोकल फूड होगा कराची का, जिसका नाम था क्या सीन है। तो आज आपका भाई उसका एपिसोड नंबर 1 बनाने के लिए पहुंच चुका है। वैसे नॉर्मली कराची में जब भी हम फूड की बात करते हैं ना, तो भाई बात हमें पता लग जाती है कि जावेद नियारी, जाहिद नियारी और एक्स वाई जेड जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है नली बिरयानी, बट यहाँ पर जितने भी देसी फूड हैं उसको एक्सप्लोर करना जो है वो बनता है। सीन ये है कि आज आपका भाई पहुँचा हुआ है साइड प्लीज लाइन एरिया, जो कि मेरे घर के बिल्कुल करीब है। तो सोचा कि आज अपने एपिसोड का स्टार्ट मैं यहीं से करूँ। और आज हम पहुँचे हुए एक चना चाट, इसकी बैक स्टोरी 2 साल पुरानी है। भाई इस चना चाट की कहानी कुछ ऐसे है कि आपका भाई जब भी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेकर आता था तो सबसे पहले आपका भाई ये चना चाट खाता था और आपके भाई के रूटीन पे भी। मैं 2000 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ चाट का। अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरा अच्छा गुजार और थे, सब गरीब तबके के लोग हैं। 50 रुपए प्लेट है, 30 रुपए प्लेट है, 10 रुपए का नान है। और इससे पहले मैं कपड़े का जॉब करता था, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान है, उसमें नाकाम हो गया। फिर मैंने चाट का काम शुरू कर दिया, फिर मैं हार्ट का बीमार बन गया। भाई है तो 50 रुपए की प्लेट, लेकिन 50 रुपए की प्लेट में आपको सारे शशके मिलेंगे। भाई सबसे पहले तो प्लेट में डाल दिए जाते हैं चने, उसके बाद बारी आती है सैलेड की, उसके बाद बारी आती है चटनियों की, और अगर हमारे अल्फाज में कहें तो लवाजमात, उसके बाद नमक और मसाला हसबे जायका, बाकी आपकी मर्जी। जो है चना चाट की जो है प्लेट आ चुकी है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी रेसिपी टाइप बता देता हूँ। भाई चना वगैरह जो है वो बॉईल करके जो है ये लेकर आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो इनका काम होता है, यहाँ जो प्रोसेस है उनका, वो सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन जो इनका प्रोसेस होता है, प्रोसेस बड़ा मज़े का है। 3 किस्म की इनके पास चटनी है, जिसमें एक लीमू वाली चटनी है, एक जो है थोड़ी सी पेशावरी टाइप चटनी है, और साथ ही साथ एक नॉर्मल जो हम चटनी यूज़ करते हैं। बट इन चटनी का जो सारे जो गेम्स है ना, वो इन चटनी के, यानी कि पैसे अगर आप वसूल करना चाह रहे हो अपने 30-50 रुपये, वो चटनी हो गए, ठीक है जी, क्योंकि मेरे फेवरेट। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। अच्छा, मिक्स करना लाजमी है ताकि जो चटनियाँ हैं वो लवाजमात जो हैं वो मिक्स हो जाए, और फिर एक अलग ही जाएगा आपको मिलेगा ना, तो लवाजमात ज़रूरी है। और आप ये चेक कर रहे हो, बेहतरीन किस्म। आज से 4 साल पहले की बात है, मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था तब मैं खाता था, तब की बात है, और अब की बात है। 4 साल हो गए हैं, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट इन्होंने अभी तक अपने रेट नहीं आगे पीछे बढ़ाए, क्योंकि जितना भी बंदा आ रहा है वो सब इंडस्ट्री एरिया का। टाइमिंग की अगर बात करूँ ना, तो सुबह तकरीबन जो है ये 9-9:15 बजे आते हैं, ठीक है जी। और मैंने मैक्सिमम इनको अगर यहाँ से फारिग होते हुए देखा तो 3, इससे ज़्यादा नहीं, 3 बजे का ख़त्म हो जाता और ये चले जाते, उसके बाद आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने अगर ट्राई करना है तो 9 से 3 बजे के दरमियान बीच में आते। भाई जैसे ही पहली बाइट आपके हलक तक पहुंचेगी, आप ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। अब अगर आपके माइंड में भी ऐसा लोकल यूनिक फूड है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, वरना हमारा इंस्टाग्राम भी है तो इंस्टाग्राम पे भी DM कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी जाके एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।